अंक ए दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस एक और शून्य दस। चलो बच्चों, अब हम फिर से एक बार अंक दोहराते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ग्यारह, एक और एक ग्यारह। बारह, एक और दो बारह। तेरह, एक और तीन तेरह। चौदह, एक और चार चौदह। पंद्रह, एक और पांच पंद्रह। सोलह, एक और छः सोलह। सत्रह, एक और सात सत्रह। अठारह, एक और आठ अठारह। उन्नीस, एक और नौ उन्नीस। बीस, दो और शून्य बीस। बच्चों, अब ये अंक हम दोहराते हैं। ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। इक्कीस, दो और एक इक्कीस। बाईस, दो और दो बाईस। तेईस, दो और तीन तेईस। चौबीस, दो और चार चौबीस। पच्चीस, दो और पांच पच्चीस। बच्चों, अब ये अंक हम दोहराते हैं। इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस। चलो बच्चों, अब हम एक से लेकर पच्चीस तक अंक दोहराते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस। अंक। अब हम सीखेंगे एक लिखना। एक, एक गोल निकालकर उसे नीचे खींचेंगे, ये है एक। एक, अब हम सीखेंगे दो लिखना। दो, आधा गोल निकालकर उसे नीचे ऐसे खींचेंगे, ये है दो। दो, अब हम सीखेंगे तीन लिखना। तीन, एक आधा गोल निकालकर उसके नीचे और एक आधा गोल निकालेंगे और उसे नीचे ऐसे खींचेंगे, ये है तीन। तीन, अब हम सीखेंगे चार लिखना, ये है चार। एक तिरछी रेखा घुमाकर उसे ऐसे खींचेंगे, ये है चार।
ये है 4। अब हम सीखेंगे 5 लिखना। 5। आधे गोल को घुमाकर नीचे खींचेंगे और फिर ऐसे घुमाएंगे, ये है 5। ये बना 5। अब हम सीखेंगे 6 लिखना। 6। एक आधा गोल बनाया, उसके नीचे और एक आधा गोल और उसे घुमा दिया, ये है 6। 6। अब हम सीखेंगे 7 लिखना। 7। एक आधा गोल निकालकर उसे अंदर की तरफ बंद कर दिया, ये हुआ 7। 7। अब हम सीखेंगे 8 लिखना। ये है 8। एक आड़ी रेखा, उसे जोड़कर एक अर्धगोल, ये है 8। 8। अब हम सीखेंगे 9 लिखना। 9। एक गोल बनाएंगे और उसे नीचे खींचेंगे, ये है 9। 9। अब हम सीखेंगे 0 लिखना। 0। एक गोल निकालेंगे तो ये बन गया 0। 0। अंक। चलो बच्चों, अब हम लिखेंगे 1 से 10 अंक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 और 0, 10। अब हम लिखेंगे 11 से 20 अंक। 1 और 1, 11। 1 और 2, 12। 1 और 3, 13। 1 और 4, 14। 1 और 5, 15। 1 और 6, 16। 1 और 7, 17। 1 और 8, 18। 1 और 9, 19। 2 और 0, 20। अब हम लिखेंगे 21 से 25 अंक। 2 और 1, 21। 2 और 2, 22। 2 और 3, 23।
दो और चार 24, दो और पांच 25। बच्चों अब हम लिखेंगे 1 से 25 अंक। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस। अंक। तो बच्चों ये है 1 से 25 अंक। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस। बच्चों अब हम एक खेल खेलेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको अंक आते हैं या नहीं। ये अंक कौन सा है बताइए। हाँ ये है 6। अब ये वाला बताइए ये कौन सा है। 1 और 5 15। अब ये वाला बताइए ये वाला बताइए। हाँ 2 और 4 24। अब ये वाला बताइए ये वाला 2। अब ये वाला बताइए ये अंक कौन सा है बताइए। 1 और 8 18। अब ये वाला बताइए 2 और 0 कौन सा है बताइए। ये है 20। अब ये वाला बताइए ये तो बहुत ही आसान है। हाँ ये है 1। अब मुझे ये वाला बताइए ये कौन सा है। 1 और 6 16। अब ये वाला बताइए 2 और 2 22। अब ये वाला बता दीजिए ये वाला कौन सा है। ये है 4। अब ये वाला बताइए। हाँ ये वाला है 8। अब ये वाला बताइए ये है 1 और 3। 1 और 3 13। अब ये वाला बता दीजिए ये है 1 और 9। 1 और 9
उन्नीस। ये वाला पांच। और ये वाला, ये तो बहुत आसान है, ये है एक और शून्य दस। अब ये वाला बताइए। हाँ, ये है तीन। और अब ये वाला, ये है एक और चार चौदह। ये दो और तीन बताइए, दो और तीन तेईस। अब ये वाला बताइए, एक और सात, एक और सात, ये है सत्रह। और ये वाला, दो और पांच पच्चीस। ये वाला नौ। और ये वाला, ये है सात। अब ये वाला बताइए, बीस और बाईस के बीच वाला नंबर क्या है? दो और एक इक्कीस। अब ये वाला, ये है एक और एक ग्यारह। और ये वाला, ये है एक और दो बारह। चलो बच्चों, अब आप मुझे इसके जवाब दीजिए। एक, दो, इसके बाद, दो के बाद क्या है बताइए? हाँ, तीन। एक, दो, तीन, चार, चार के बाद? हाँ, चार के बाद है पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच, यहाँ पे कौन सा अंक है? पांच के बाद और सात के पहले कौन सा अंक है? हाँ, यहाँ पे है छः। सात, आठ, और यहाँ पे आठ के बाद और दस के पहले? हाँ, नौ। आठ, नौ, दस। ग्यारह, ग्यारह के बाद कौन सा अंक है बताइए? यहाँ पे है एक और दो बारह। ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, अरे चौदह के बाद कौन सा अंक है? चौदह के बाद और सोलह के पहले कौन सा है? पंद्रह। पंद्रह, सोलह, सोलह के बाद बताइए? हाँ, एक और सात सत्रह। अठारह, उन्नीस, बीस, बीस के बाद दो और एक बताइए? दो और एक इक्कीस। इक्कीस, बाईस, बाईस के बाद कौन सा है? तेईस। दो और तीन तेईस, उसके बाद है चौबीस। चौबीस के बाद दो और पांच पच्चीस। ये है पच्चीस। बच्चों, अब आप मुझे बाद के अंक बताइए। एक, दो, उसके बाद क्या है? तीन। अब एक, दो, तीन और तीन के बाद बताइए चार। अब ये बताइए, छः, सात और उसके बाद आठ। ये है आठ। अब फिर से बताइए,
छ, सात, आठ और आठ के बाद, आठ के बाद है नौ। अब ये बताइए, चार, पांच, पांच के बाद बताइए छः, और छः के बाद हाँ सात। बच्चों अब आप मुझे पहले के अंक बताइए। तो चलिए, चार, तीन, तीन के पहले कौन सा अंक आता है, हाँ दो। अब ये हुआ चार, तीन, दो, और दो के पहले कौन सा अंक आता है, हाँ हाँ एक। अब यहां बताइए सात, छः, और छः के पहले कौन सा अंक आता है, छः के पहले है पांच। सात, छः, पांच, और पांच के पहले कौन सा अंक आता है, हाँ पांच के पहले है चार। अब ये बताइए दस, नौ, नौ के पहले कौन सा अंक है, बताइए नौ के पहले है आठ। ये है आठ, दस, नौ, आठ, और आठ के पहले कौन सा अंक है, आठ के पहले है सात। तो ये है दस, नौ, आठ और सात। बच्चों अब आप मुझे बीच वाले अंक बताइए। तो चलिए, दो और चार, दो और चार के बीच कौन सा अंक आता है, बताइए तीन। तो ये हुआ दो, तीन और चार। अब आगे बताइए पांच और सात के बीच कौन सा अंक आता है, पांच और सात के बीच है बताइए छः। अब ये बताइए आठ और दस के बीच कौन सा अंक आता है, बताइए हाँ हाँ आठ और दस के बीच है नौ। अब यहां बताइए एक और तीन, एक और तीन के बीच कौन सा अंक आता है, दो। तो एक और तीन के बीच है दो, ये हुआ एक, दो, तीन।